नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जो पेड़ लेकर आया हूँ, इस पेड़ को कदम के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको इसी कदम के फल के फायदों के बारे में बताऊंगा, इसके छाल के फायदों के बारे में बताऊंगा कि यह कदम हमारे लिए कितना फायदेमंद है। मगर दोस्तों फायदा जानने से पहले हम इस कदम पेड़ को ठीक से देखकर पहचान लें कि यह पेड़ कैसा होता है। तो हाँ दोस्तों, इसके पत्ते जो है कुछ इस तरह से होते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं, और इसके फल गोल गोल जो कि आप देख रहे हो। यह फल जब कच्चा होता है तो हरा हरा होता है, पक जाने के बाद पीला हो जाता है। दोस्तों यह फल जब कच्चा रहता है तो खाने में स्वाद में कसैला लगता है, और जब पक जाता है तो खट्टा मीठा लगता है। कदम का पेड़ एक मध्यम आकार का होता है, फिर भी कम से कम 30-40 फुट तक ऊंचा होता ही होता है। और दोस्तों यह कदम का पेड़ बड़ा ही छायेदार होता है, क्योंकि इसके पत्ते जो है बादाम के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कदम पेड़ को देखकर पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदों के बारे में जाने कि यह कदम हमारे शरीर के किन किन बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा मैं आपको यह बता दूं कि यह कदम एक बलवर्धक शक्तिवर्धक फल है। इसके सेवन से शरीर का बल बढ़ता है। अगर किसी को उल्टी जैसा महसूस होता हो या फिर उल्टी हो रहा हो, तो आप इस पक्के पक्के कदम के फल को मसल कर रगड़ कर चटनी बना लीजिए, और करीबन 10 ग्राम चटनी में 10 ग्राम शहद मिलाकर हनी मिलाकर उन रोगी को पिलाइए खिलाइए जिनको उल्टी महसूस होता हो या उल्टी हो रही हो। तो दोस्तों शहद और कदम के सेवन से उल्टी रुक जाती है। दोस्तों अगर किसी का बाल झड़ता हो उड़ता हो, तो आप इस कदम के पत्तों को काढ़ा बनाकर बाल के जड़ को धोइए तो बाल का जड़ मजबूत होता है। दोस्तों अगर दांत में दर्द होता हो, मसूड़े सूजन दार हो गए हो या दांतों से पीप मवाद निकलता हो, तो आप इस कदम के छाल का काढ़ा बनाकर उससे कुल्ला कीजिए, तो आपके दांतों के अंदर होने वाला दर्द जो है दूर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी के पेट में दर्द होता हो या बार बार पैखाना जाने का मन करता हो या पेचिस रोग हो अतिसार रोग हो, तो आप इस कदम के डंठलों की छाल को निकाल कर पीस कर उसमें से रस निकाल लीजिए 10 ml, और एक गिलास चावल का बना हुआ माड़ में डाल दीजिए। डालने के बाद चला दीजिए और चलाकर उस रोगी को पिलाइए जिनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता हो या पेचिस रोग हो। और इसे अगर बेहतर करना चाहते हैं तो माड़ के अंदर एक नींबू का रस निचोड़ दीजिए और 1 चम्मच कदम के पत्तों का रस डालकर पिलाइए, तो और भी जल्दी फायदा होगा। दोस्तों यह कदम का फल पित्त को कंट्रोल करता है, वात को कंट्रोल करता है, कफ को थोड़ा बढ़ाने का काम करता है, इसलिए अधिक मात्रा में इसके सेवन से गले में कफ भी हो सकता है। और इसका स्वाद खट्टा होता है, इसलिए यह वात को भी कभी कभी बढ़ा देता है अधिक सेवन करने के बाद। ऐसे तो पके हुए कदम के फल के सेवन से पेट के अंदर का एसिडिटी भी दूर होता है, अगर काला नमक मिलाकर खाया जाए। दोस्तों अगर किसी का घाव है, जल्दी सूख नहीं रहा है, पानी फेंक रहा है, तो उस घाव में पके हुए कदम के फल को मसल कर बराबर मात्रा में हल्दी और शहद मिलाकर उस घाव के ऊपर अगर लेप करते हैं तो वह घाव सूखने लगता है। और अगर शहद नहीं मिलाना चाहते तो देसी गाय के घी में सान लीजिए, मलहम बना लीजिए, उस मलहम को घाव के ऊपर लगाइए तो वह घाव सूख जाता है। दोस्तों अगर किसी के हाथ पैर में या घुटनों में दर्द होता हो, कदम की छाल ले लीजिए करीबन 500 ग्राम, और 500 ग्राम सेंधा नमक और 500 ग्राम सहजन का छाल सबको मिलाकर 4 लीटर पानी में डालकर पकाइए, काढ़ा बनाइए। उस पानी में छोटा सा सूती का कपड़ा डालकर दर्द के स्थान को सिकाई करने से दर्द दूर होता है।
ऐसे तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में पके हुए कदम के फल में नमक मिर्चा मिलाकर चटनी बनाकर लोग सेवन करते हैं। इसके सेवन से भूख बढ़ता है, खाया पिया तुरंत तुरंत हजम हो जाता है। दोस्तों अगर किसी को खांसी हो तो आप इस कदम के फल को आग में भुने हुए कदम के फल को धीरे धीरे नमक लगाकर चूस चूस कर सेवन कीजिए, खाइए तो खांसी रोग शांत होने लगता है। तो दोस्तों इस तरह से यह कदम एक अद्भुत चमत्कारी जड़ी बूटी है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो इसे मात्र एक जंगली फल समझते हैं। ऐसे भी यह जंगली फल ही है, जंगलों के बीच में पैदा होता है, लेकिन बहुत से लोग अपने घर आंगन में गार्डन में लगा लेते हैं, इसलिए यह पेड़ आजकल शहरों में भी आ चुका है, लेकिन यह जंगली ही फल है। और हाँ दोस्तों, आंखों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप इस कदम के पत्ते छाल का काढ़ा बनाकर अगर आंखों को आप धोते हैं तो आंखों के रोग ठीक होते हैं, और अगर छाल को या इसके पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाकर आंखों के चारों तरफ लेप करते हैं, लगाते हैं, तो भी आपको आंखों की बीमारी से राहत मिलेगा। और दोस्तों अगर किसी के मुंह में छाले हो तो भी आप कदम के पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ली करते हैं या फिर गरारा करते हैं तो मुंह के अंदर के छाले जो हैं वह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों पेशाब की सभी समस्याओं में कदम का फल यानी पके हुए फल का सेवन करना बड़ा ही उचित होता है, फायदेमंद होता है। और दोस्तों अगर किसी को तकलीफ अधिक हो, पेशाब की समस्याएं अधिक हो, तो आप बिदारी कंद, कदम का छाल तथा ताड़ का फल सबको पीस कर पेस्ट बना लीजिए और फिर आप दूध या घी के साथ सेवन कीजिए तो पेशाब की समस्याएं दूर होने लगेंगे, इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह कदम। और हाँ दोस्तों, इस कदम पेड़ को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे कि संस्कृत में नीप कहते हैं, प्रियंक कहते हैं, कदम कहते हैं, वृत्त पुष्प कहते हैं, हलीपी कहते हैं, इतने नाम तो इसके संस्कृत में है। और हिंदी में इसे कदम कहते हैं, कदम कदम्मा, उड़िया में कदम्बो नीपो, कन्नड़ में कड़वे कंदावली, गुजराती में कदम कदम्बा, तेलुगु में कदम्मु तुंद्रा, तमिल में वेला कदम और बंगाली में कदम कदम कलम। तो दोस्तों मिलते जुलते हर भाषाओं में इसी तरीके से कुछ नाम जाने जाते हैं इसके। आप इसे किस भाषा में किस नाम से किस तरह से जानते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरह जितने भाषाएं उतने सारे इस पेड़ का नाम है। तो चलो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।